फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कहाँ चली गई? कहाँ हुआ? क्या कर रही? तो फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ पे हो रहा है हल्के फुल्के बारिश। तो क्या बोलते हैं बिहार में, कुछ बोलते हैं अदरा, अदरा लगता है। तो क्या बनाते हैं? दाल पीठी बोले, मतलब जो भी हो, पूरी क्षमता लोग खीर मेन मायने रखता है, खीर बनाता है वो आद्रा में। कि क्या है वो पता है? कल मेरी दीदी फोन की थी, मतलब इसकी मासी मौसी, तो ये सुन ली है कि आद्रा में खीर पूरी खाते हैं लोग। तब से ही परेशान करके रखा है लोग, बच्चे लोग, मुझे खीर पूरी खाना है। वो भी पूरी कौन सा पता है आपको? दाल पूरी। तो दाल पूरी बनाने में तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। क्या हो गया? मैं भी हेल्प कर दूंगी। क्या बात है, तो मेरे बच्चे हेल्प करने जा रहे हैं। श्रीदी हेल्प करोगी ना? हाँ। तो चले कुछ कुछ किया जाए। मैं दाल को पीस दूं। तो फ्रेंड्स, मैंने दाल को उबाल दिया है, आटा को छान दिया है, आधा कम कर ली हूँ, सब्जी को बना दिया है। 50% हो गया, 50% बाकी है। क्या बोलते हैं, आलू कटहल की सब्जी मैंने बनाया है, क्योंकि पूरी पे थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है छाल वाला सब्जी। आलू कटहल की सब्जी बनाया और खीर और पूरी बनाते हैं। तो सोचा है कि चलिए अपने यूट्यूबर फैमिली को मतलब थोड़ा शेयर करें कि मैं कैसे बना रही हूँ। सबका तरीका थोड़ा थोड़ा तो अलग होगा ही, तो सबके घर में थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। तो हम अपने अंदाज में, हम अपने तरीके में बनाते हैं। चलिए, मतलब होता है क्या, दो तरीके का बनाते हैं, एक मैदा का भी होता है और एक आटे का भी होता है। तो मैं मैदा का नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि कल नहीं परसों मैंने कचौड़ी बनाया था, वो क्या बोलते हैं मूंग दाल का, जो कि मैदा का था। उसमें इतना मैंने तेल डाला था ना, इतना चर्बी हो गया, देखिए कितना चर्बी हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज नॉर्मली बना रहे हैं, आटे का बना रहे हैं, और फिर कभी मन करेगा दो चार दिन के बाद तो मैं मैदे का बना दूंगी, है ना? सही है, मैदा का बना। चलो आटे, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नमक डाल दिया, आटे में भी मैंने नमक डाल दिया। होता है क्या कि और टेस्टी लगता है नमक डाल देने से। हल्का सा मैंने नमक डाल दिया। और श्रीदी तुम क्या करोगी? श्रीदी दाल पीसेगी। मम्मी मुझे भी पीसा। झगड़ा हो गया दोनों का, बोल रही स्नेहा बोल रही है मैं पीसूंगी, श्रीदी बोल रही है मैं पीसूंगी। मुझे पीसना है। ये एक थाली में तो होगा नहीं, मिक्सर में दो बार में होगा। देख खाली स्नेहा पीसेगी, खाली श्रीदी पीसेगी। नहीं पहले, नहीं मैं पहले, पहले में और बाद में क्या। तो ये रहा मेरा सादा तेल, इसको मिक्स कर दो, अच्छे से मिक्स करो। ये बनाओ दाल, गिर गया। चलो जाओ श्रीदी ले जाओ। हाँ तो आप क्या बोल रही थी, फिर बनाओ दाल पूरी। पूरी अच्छा से फेंटते जाओ, फेंटते जाओ और इधर इसको पीसते जाओ। चम्मच लाओ ना, गरम होगा ना अभी, गरम है बहुत। तो फ्रेंड्स, मैंने उबाल के रखा है, ये देखिए नमक और हल्दी डाल दिया है और मैंने उबाल के रख दिया है। अब खाली मिक्सर में पीस देना है। ये एकदम कुचल जा रहा है जैसे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी डाल दिया और आटे को गूंथना बाकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा को सान लिया है, आटा तैयार है मेरा। और ये है चावल, खीर का चावल जो मैं खीर बनाने वाली हूँ। इसको बोलते हैं भोग चावल, बंगाली लोग बोलते हैं भोग चावल। बहुत पतला होता है, बहुत टेस्टी होता है इसका खीर। ये देखिए कितना छोटे छोटे दानों में है, एकदम छोटा दाना। मैंने इधर दूध रख दिया है, दूध जब तक ले हो जब तक, मैं इधर कर दूं धो दूं इसको। ये देखो फ्रेंड्स, ये क्या है, जीरा। अब मैं जीरा को क्या करूंगी, तावे पे ये कर रही। वो क्या होता है दाल में डालने के बाद बहुत टेस्टी होता है। मैंने इसको काला काला और भी ज्यादा ये मिला देते हैं। क्या कर रही है उसने, बर्तन धो रही है। क्या बात है, दो कप धो रही है मेरी बेटी। सिर्फ दो कप नहीं, एक चम्मच भी है। एक
चम्मच को भी गिनती करती है कि चम्मच घूम रहा है। हर एक चीज गिनती करती है, अच्छी बात है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जीरा कितना अच्छा से कलर हो गया है, ये लाल रंग का हो गया है। अब मैं इससे इसको काट दूंगी। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सेंट भी बहुत निकल रहा है, बहुत खूबसूरत। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये डाल दिया है जीरा को। इससे होता है क्या कि टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब इसको अच्छा से मिक्स कर लो। और इसका सेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा से खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखिए हमारे ये आटा गोले हो रहे हैं, कचौरा बन रहा है, कचौरा बन रहा है कचौरा की तरह। उसके बाद मैं उप डाल रही हूँ दाल, और मैं इसको बंद कर दे रही हूँ। ये मैंने गोला कर दिया। उसके बाद ऐसे ही करके सबको कर लेना है। उसके बाद आप उसे अलग रख रही हैं और गोला करने में श्रीधि हेल्प कर रही है आपका। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चीनी डाल दिया है, ये अभी चीनी डाला, और तेज पत्ते क्या बोलते हैं इलायची मैंने डाल दिया है। अब मेरा खीर बनकर तैयार हो चुका है, कितना अच्छा हुआ है। अब मैं इसको उतार देती हूँ। अब मैंने तवा रखा है, और ये दाल पूड़ी के लिए क्या बोलते हैं, पहले ये कर देते हैं हल्का सा इस पे भाप कर देते हैं, उसके बाद तेल फ्राई कर देंगे तेल में, अच्छा होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दो काम कर रही, मेरा खीर बन गया है, मैंने खीर को उतार दिया है, और मैंने तवा भी रख दिया है, इधर कढ़ाई भी रख दिया है, क्योंकि रात हो गई है और बच्चों को लग गया है भूख। अब मैं जल्दी जल्दी बना दूं, नहीं तो सो जाएगा लो, तो फिर बनाने का क्या लाभ। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी, और ये फुला फुला पूरी बनकर तैयार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरी बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए खिला खिला पूरी, फुला फुला है ना, अब ये फूल रहा है और ये फूल चुका है। मैं इसको निकाल देती हूँ। ये पक रहा है, जब तक मैं इसमें एक और ऐड कर देती हूँ, साथ में दोनों पक जाएगा। इससे होता है क्या, तेल कम लगता है पूरी में, चर्बी थोड़ा कम होगी, इसलिए हम लोग ज्यादातर यही खाते हैं ताकि अच्छा रहे, तेल कम टाने, है ना, जरूरी है, सेहत का भी तो ध्यान रखना है। आराम से बाबू, क्या कर रहे हो, खेल रहे हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा दोनों काम हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इतना सारा पूरी मेरा बन चुका। ये देखिए खिला खिला पूरी, ये होता है बहुत सॉफ्ट होता है। एक साथ में कितना काम, तीन। अच्छा एक बेलना, दूसरा तवे पे सेकना, तीसरा वो जो हाँ फ्राई करना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब्जी बनाया था, क्या चीज का, आलू और कटहल की सब्जी। ये रहा मेरा खीर, टेस्टी और यम्मी वाला खीर, काजू किशमिश और इलायची और क्या बोलते हैं तेज पत्ता। ये देखिए खीर के इतना अच्छा हुआ है, बहुत टेस्टी बना है मेरा खीर। ये डब्बा है, और मेरा पूरी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए सजाते हैं आप प्लेट को, प्लेट को सजाते हैं। और हम तो डेली सजाते हैं इस तरह से, मतलब जैसे हम भात सर्व करते हैं उस तरह से, लेकिन इस बार का डेकोरेशन थोड़ा अलग है। इस बार रहेगा सब्जी मिडिल में, सब्जी या फिर जो खीर है, और जो हमारा मेन मील है वो हमारा जो पूरी है वो हम रखेंगे गोल करके साइड में बॉर्डर पे। हो गया, और नहीं जाएगा, एक इधर खाली रहेगा, इधर एक दे दीजिए, हो जाएगा। चलो, और ये डेकोरेशन आइडिया था मम्मी की तरफ से, है ना मम्मी। ये देखिए कितना सुंदर, ये बच गया सादा पूरी, क्या बोलते हैं दाल खत्म हो गया, तो ये मेरा तिल को पूरी हो गया सादा, क्योंकि आर्यन नहीं खाएगा अगर दाल पूरी तो वो सादा पूरी खा लेगा। क्या हो गया, तो देखिए कितना यम्मी एंड डिलीशियस लग रहा है। आजा, उसने असली दे, चलो।
ये एंट्री हो गया मम्मी का खाना के साथ। खाना तैयार है, आ जाओ बच्चा पार्टी, बैठ जाओ। आर्यन को बहुत जोरों की भूख लगी है, बाबू जल्दी आओ। सिद्धि कहाँ गई? वो शायद पढ़ाई कर रही है शायद। पानी पीते हो? यस। वाओ कितना डिलीशियस लग रहा है। अब मम्मी इसे तोड़ के दिखाएंगी जब ठंडा हो जाए थोड़ा, है ना मम्मी? यस। आपको भी तो पता चले हमने कितना दाल भरा है अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा दाल पूरी, कितना खिला खिला है। ये देखिए पूरी कितना अच्छा फूला हुआ है। और बाजार में बहुत कम दाल भरता है। दाल पूरा भरता भरती है, भरा हुआ है और पूरा फूला हुआ है। अब मैं इसको खिलाने वाली हूँ। क्या चीज़ है? आर्यन का सबसे फेवरेट है खीर। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नींद लग रहा है क्या बाबू? बाबू सोना को नींद लग रहा है? ओए सोना बेबी, चलो अब खा लो खाना और सो जाओ। आ गुटू। गरम है ना? इन चूहों ने बैट बजा के रखी है। हमारे घर में चूहे बहुत हैं, जिन्होंने हमारी बैंड बजा के रखी है। तबला बजा रहा है उधर। आ जा सुनिधि। वाओ कितना यम्मी है और कितना ज्यादा आपने दाल भरा है। और बाजार में बहुत कम दाल भरते हैं, या तो भरते ही नहीं है, बस नाम दे देते हैं। दाल पूरी, दाल पूरी। सुनिधि क्या चीज़ है? सिर्फ दाल पूरी का नाम का दाम लेते हैं, है ना? हाँ, और मुझे दोनों से खाना है, ठीक है? ठीक है। अदरक एक बहाना है, क्या बोलते हैं, अदरक में बनाना चाहिए दाल पूरी। तो फिर मैंने बना दिया, हो गया तो पेट फूल जाएगी, है ना? तो फ्रेंड्स आप लोग भी आइए खाने के लिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अच्छा लगे तो, और बेल आइकन जरूर से दबाइएगा ताकि हर एक ब्लॉग का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।